हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उदासीकरण अभिक्रिया और लवण की प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कुछ अम्ल एवं क्षारक के उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो क्षार जल में घुलते हैं उनको क्षारक कहते हैं, और जल में घुलने पर क्षारक OH आयन देते हैं। प्रबल अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाएंगे और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। दुर्बल अम्ल जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से या अपूर्ण आयनित होंगे और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। प्रबल क्षारक जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में OH आयन देंगे। दुर्बल क्षारक वे पदार्थ जो जल में घुलकर आंशिक या अपूर्ण रूप से आयनित होते हैं और कम मात्रा में OH आयन देंगे, दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। तो परिभाषा इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब उदाहरणों को देखिए। प्रबल अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण HClO4, पर क्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन चारों में यदि सबसे प्रबल कहा जाए तो पर क्लोरिक अम्ल HClO4, इसको याद रखेंगे। दुर्बल अम्ल CH3COH, एस्टिक अम्ल H2CO3, कार्बोनिक अम्ल महत्वपूर्ण अम्ल है। H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। देखिए यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। HNO2 इसी के जैसे, HNO3 यहाँ पे HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल ये नाइट्रस अम्ल, तो ये भी दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षारक में लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सभी प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कापर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, ये कुछ दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर आप किसी लवण की प्रकृति बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, अम्ल एवं क्षारक, कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी क्षारक हो सकते हैं, आपस में क्रिया कर एक दूसरे को उदासीन करते हैं और साथ ही लवण एवं पानी बनता है। यह क्रिया उदासीकरण कहलाता है। जैसे एक समीकरण देखिए, हम सबसे सरल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखिए HCl है, ये हो गया अम्ल, और NaOH रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया क्षारक। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और NaCl और HOH अर्थात पानी, तो यहाँ पे NaCl बनेगा और साथ में HOH लिखूँ या H2O लिख देता हूँ, पानी बनता है। तो ये जो बना है ये कहलाएगा लवण। और पानी ये क्रिया कहलाता है उदासीकरण। एक और उदाहरण देखिए, यहाँ पे हम HCl के साथ यदि NH4OH को लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहाँ पे ये Cl है, ये जाकर के NH4 के साथ जुड़ जाएगा और NH4Cl बनेगा, और H इस OH के साथ जुड़ करके H2O पानी के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये लवण हो गया, ये पानी, ये हो गया क्षारक, और ये हो गया अम्ल। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, या चाहे तो इससे लेकर के आप और भी कई अभिक्रिया बना सकते हैं, सभी उदासीकरण के उदाहरण होंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस लवण की प्रकृति कैसे पहचानेंगे। क्या ये पूर्णतः उदासीन होंगे, क्या अम्लीय लवण होगा कि क्षारीय लवण होगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि इस लवण की प्रकृति बताइए। तो उसको जानने के लिए आपको एक बहुत ही सरल तरीका अपनाना है, चलिए उसको आगे देखते हैं। अब देखिए, लवण की प्रकृति हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अर्थात दोनों प्रबल हैं तो जो अम्ल बनेगा वो उदासीन होगा। इसी तरीके से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से क्रिया कर जो लवण बनता है उसकी प्रकृति भी उदासीन होती है। लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, इसमें अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। और यदि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, इन दोनों से लवण बनता है, तो इसमें क्षारक प्रबल है तो लवण की प्रकृति क्षारीय होगी। यहां जैसे हम लिख सकते हैं कि यदि अम्ल प्रबल हो, क्षारक भी प्रबल हो,
तो जो लवण बनेगा ये उदासीन होगा, या फिर अम्ल दुर्बल हो, क्षारक भी दुर्बल हो, इस स्थिति में भी जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। अम्ल प्रबल हो और क्षारक दुर्बल हो, देखिए तो इसमें अम्ल की प्रवृत्ति प्रबल है तो जो लवण होगा ये अम्लीय होगा, और यदि अम्ल दुर्बल हो, क्षारक प्रबल हो तो जो लवण है वो क्षारीय होगा। यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे NaCl, अभी पहले हम देखे थे इस लवण की हमको प्रकृति चेक करना है कि किस प्रकार का होगा इसमें से। तो देखिए इसको चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है पानी का अणु, पानी का अणु को हम लिख सकते हैं H और OH इस रूप में, इसके ऊपर धन चिन्ह लगता है, OH के ऊपर ऋण चिन्ह। अब इसमें देखिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, Na और Cl, Na धनात्मक हुआ तो OH से क्रिया करेगा, अर्थात ये बना हुआ है NaOH और Cl H से क्रिया करेगा तो ये बना है HCl से। देखिए NaOH और HCl दोनों प्रबल हैं तो ये लवण उदासीन होगा, अर्थात NaCl जो लवण है इसकी प्रकृति उदासीन होगी। दूसरा उदाहरण जो हम देखे थे NH4Cl, इसमें भी वही चीज़ करना है, NH4 धनात्मक है तो OH से क्रिया करेगा तो ये बना होगा NH4OH से और HCl से। NH4OH देखिए दुर्बल क्षारक है, HCl प्रबल अम्ल है तो ये जो लवण है NH4Cl इसकी प्रकृति हो जाएगा अम्लीय। इसी तरीके से आप CH3COONa सोडियम एसीटेट, ये जो लवण है इसका भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो K2SO4 इस तरह के लवण को भी चेक कर सकते हैं, आप Na2CO3 इसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए Na2CO3 Na क्रिया करेगा OH के साथ, चूंकि दो Na है तो दो हम लोग को अणु लेना पड़ेगा जल का, तो यहाँ पे बनता है दो NaOH इस तरह का, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगा तो ये दोनों मिलकर के बना देगा H2CO3। यहाँ पे देखिए प्रबल क्षारक और ये दुर्बल अम्ल, इन दोनों से जो लवण बनता है इसकी प्रकृति हो जाएगा क्षारीय, अर्थात Na2CO3 लवण की प्रकृति क्षारीय होगा। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी लवण की प्रकृति चेक कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।